बार रायपुर में होने जा रहा है। लंबे समय बाद किसी हिंदी भाषी राज्य में महाधिवेशन होने जा रहा है। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में महाधिवेशन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समझा जा रहा है कि 3 राज्यों के चुनाव के अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव पर महाधिवेशन में चर्चा हो सकती है। देखिए इस रिपोर्ट में। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से उत्साहित कांग्रेस अब फरवरी में छत्तीसगढ़ में जुटेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी समेत देश भर के दिग्गज कांग्रेसी यहां जुटेंगे। 2-4 फरवरी तक अधिवेशन में 2023 के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति तो बनेगी ही, पार्टी की दशा और दिशा भी तय होगी। साथ ही साथ हाथ जोड़ो अभियान समेत अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। रायपुर अधिवेशन के समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सम्पन्न हो चुकी होगी और इस यात्रा को मिले जन समर्थन को कायम रखने पर मंथन होगा। सीएम भूपेश बघेल कहते हैं कि इस अधिवेशन में आर्थिक, सामाजिक से लेकर राजनीतिक विषयों प्रस्ताव पारित होने जा रहे हैं, इससे पूरे देश के लिए दिशा तय होगी। देखिए, ये तो जब राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का, तो पूरे देश और दुनिया की निगाह होती है, क्योंकि देश के अंदर इस 3 दिन के अधिवेशन में जहाँ राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, आर्थिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, सामाजिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, वहीं विदेश नीति की भी चर्चा होती है। तो इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सभी प्रकार की बातें होगी। तो न केवल प्रदेश को फायदा होना है, पड़ोसी राज्यों को फायदा होना है, बल्कि देश के लिए भी राजनीति की दिशा तय होती है। कांग्रेस के अधिवेशन को सफल बनाने के लिए अब सत्ता और संगठन के स्तर पर तैयारियां शुरू की जा रही हैं। अधिवेशन के स्थान के लिए नवा रायपुर के राज्योत्सव मैदान, इंडोर स्टेडियम और साइंस कॉलेज पर विचार किया जा रहा है, जबकि देश भर से आने वाले दिग्गजों को नवा रायपुर के मेफेयर होटल समेत शहर के कुछ प्रतिष्ठित होटलों में ठहराने पर विचार किया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय, छत्तीसगढ़ को इस अधिवेशन की मेजबानी मिलने को संगठन और 2023 के चुनाव के लिहाज से बेहद खास बताते हैं। उन्होंने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ मॉडल भी देश भर में चर्चा में आएगा। तमाम बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रधानमंत्री से लेके तमाम लोग यहाँ पर आएंगे और इससे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं का भी मॉरल बूस्ट होगा और एक 3 दिवसीय जो एक बड़ा अधिवेशन होगा उसमें छत्तीसगढ़ को मेजबानी करने का मौका मिला है। देश भर में कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से नई ऊर्जा तो मिली ही है, कई राज्यों में पार्टी को अपने कैडर को एक्टिव करने में मदद भी मिली है और ऐसे में पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं की इस ऊर्जा को बनाए रखना है। नए नेतृत्व के लिहाज से भी फरवरी 2023 में होने जा रहा अधिवेशन बेहद खास होगा और यही वजह है कि इस अधिवेशन पर देश भर के कांग्रेसियों की निगाहें टिकी हैं। गौरव शर्मा, INH 24/7, रायपुर।